बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है, तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों है? केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे केशव, प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। नहीं अर्जुन, नहीं, ये धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूं, इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म। अर्थात? अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ, और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है, और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। हे कृष्ण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही है। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था
कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है?